इस वीडियो को आप एक मिनट स्किप करके भी प्ले कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हम फिर से वापस आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ। तो गाइज, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस हमारी बेल आइकन को भी दबा दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। गाइज़, हम बहुत सारे वीडियोज़ आपके लिए लाते रहते हैं, पूरे न्यूज़ से रिलेटेड जो भी वायरल मटेरियल होता है, जो भी बड़ी बड़ी डिबेट होती है, सबका हम आपके लिए प्रॉपर वीडियो लाते रहते हैं। तो आप हमारे चैनल से बने रहिए। और बड़ी बातें की जा रही थी, आपको भी पता है, ऐसी खबरें गर्म थी कि शायद तिजारत की जाएगी। मसला कश्मीर पर अगर बात नहीं की जाएगी तो तिजारत कैसे की जा सकती है, तो पाकिस्तान ने क्लियर मौकफ दे दिया कि तिजारत नहीं होगी, पहले मसला कश्मीर डिस्कस होगा। कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए जी, मेरी जाती राय तो इस मामले में ये है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जिस खित्ते में रह रहा है, आज के ज़माने में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप इश्यूज को कंपार्टमेंटलाइज कर लेते हैं। आप किसी एक इशू की वजह से किसी एक मुल्क के साथ कंप्लीट ब्रेकअप नहीं कर लेते। अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान में ईरान की मदद मांग रहा है, उधर रशिया की मदद भी मांग रहा है। चाइना और इंडिया इतनी लड़ाई के बावजूद भी कारोबार कर रहे हैं, अमेरिका और चाइना भी कारोबार कर रहे हैं। सो हमें इन चीजों को देखना है कि जहां कन्वर्जेंस हो, जिससे अवाम को फायदा हो, जिससे आपकी सोसाइटी को फायदा हो, उन चीजों से फायदा ले लिया जाता है। अगर पाकिस्तान को चीनी भारत से सस्ती पड़ती है तो इंपोर्ट कर लेनी चाहिए। और दूसरी बात है, हम फार्मास्यूटिकल्स भी तो इंपोर्ट करते हैं भारत से, हमने उस पर तो पाबंदी पहले दिन से नहीं लगाई, हालांकि हमने पाबंदी जिस दिन लगाई थी उसे वापस कर लिया। सो मेरा ख्याल ये है कि रिजिड फैसले नहीं करने चाहिए। ये जमाना कनेक्टिविटी का जमाना है, ये जमाना कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का जमाना है। डॉक्टर साहब, आज के दौर में आप हर चीज को एक जगह पे नहीं फेंक देते और दुखे आप इस तरह का हालात पैदा करते हैं कि वापस भी आया जाए। भारत गो जैसा भी है, वो कश्मीर के साथ जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, लेकिन दुनिया का एक बड़ा हिस्सा उनके साथ डायलॉग कर रहा है। अगर हम इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ाएंगे, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, तो हम बाकी मामलात को भी देख सकते हैं। अभी तो हम टेबल पे बैठे ही नहीं हुए। सो हम इकोनॉमी को, इक्तसादियात को नेशनल सिक्योरिटी से लिंक कर देना, मेरी जाती राय में मैं समझता हूँ उसका कोई बहुत बड़ा फायदा भी नहीं होगा। लोगों को मिलने दें, कारोबार होने दें, चीज़ें डेवलप होने दें और कश्मीर को भी डिस्कस करें, और ज़्यादा हमारे पास लिवरेज आएगी। हम जितने इक्तसादी तौर पर मजबूत होंगे, हम उतना अच्छा डिस्कस कर सकते हैं। आज अमरीकी सदर, अमेरिकी जो सेक्रेटरी डिफेंस है और जो जॉन कैरी आए हैं, वो इंडिया और बांग्लादेश जा रहे हैं, बिकॉज वहां पे इंडस्ट्री है, बिजनेस हो रहा है वहां पे। दुनिया ने अपने लेंस बदले हैं, इकोनॉमिक मार्केट्स बदल रही हैं। सो हमें अपने जो इश्यूज हैं उनको कंपार्टमेंटलाइज करना चाहिए और सीखना चाहिए कि जिस तरह ममालिक जो हैं वो कारोबार भी करते हैं, एक दूसरे को जो है वो गलत भी कहते हैं, और जो चीज़ें गलत होती हैं उनको ठीक करने के लिए प्रेशर भी डालते हैं। अपने रास्ते बिल्कुल बंद करना, मैं समझता हूँ, एक मुनासिब कदम नहीं है। और इमरान खान साहब को इसके लिए मुल्क के अंदर एक सियासी कंसेंसस पैदा करना चाहिए, क्योंकि ये एक पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 22 करोड़ लोगों का मसला है। अगर हमारा किसान बहुत कुछ भारत से ले सकता है, जब ट्रेड होगी, कनेक्टिविटी होगी और चीजें इम्पोर्ट करना भी बहुत आसान है। हम एक चीज तो छोड़े, हमने वहां से क्या इम्पोर्ट करना है, हमारे पास बहुत बड़ी मंडी अवेलेबल हो जाएगी जी। अगर हमारी इंडस्ट्री ताकतवर होगी, तवाना होगी, तो हमारे पास देखिए, चाइना बहुत बड़ी मंडी है, लेकिन हम चाइना को एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे, बड़ा थोड़ा लिमिटेड चीजें जाती हैं, बिकॉज चाइना की मार्केट से हम कम्पीट नहीं कर सकते। लेकिन हम इंडियन मार्केट से कम्पीट कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सोचें और लॉन्ग टर्म फैसला करें। सो मेरा ख्याल है कश्मीर के इशू को हाईलाइट भी करें, और साथ साथ देखिए, अमेरिका ने चाइना के सामने बैठ के कहा है आप हांगकांग में क्या कर रहे हैं, ताइवान में क्या कर रहे हैं, उगर्स के साथ क्या कर रहे हैं, और हम ये बात करते रहेंगे, आप हमारे जो पार्टनर्स हैं उनके साथ इकोनॉमिकली कोर्स कर रहे हैं। सो मेरा ख्याल है टेबल पे बैठेंगे तो बात हो सकती है, टेबल पे बैठेंगे नहीं तो हम उनको गलत कैसे कह सकेंगे। सिर्फ टीवी के जरिए गलत कह देना भी मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं, और हमें हमारे दोस्त अहबाब और जो हमारे मिडिल ईस्ट में और दूसरे जो ममालिक हैं वो इस चीज में बहुत देर से पाकिस्तान को कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जो हैं वो कोई फैसला नहीं कर पा रही जिसके। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी रोहित, आपकी तरफ आना चाहूंगी। अमेरिका की जानिब से जो मोदी सरकार को मकबूजा कश्मीर की जो सूरत हाल है, खासतौर पर माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बुरा सलूक किया जा रहा है, उस पर तनकीद का निशाना बनाया गया, ये भी कहा गया है कि भारत की सेकुलरिज्म और जमहूरियत के खिलाफ है, तो क्या भारत ने इस पर कुछ सोचा? देखिए, इंडिया के रिलेशंस कैसे हैं वो तो आपको दिख ही रहा होगा, इसलिए अब अप्रैल आ गया है और जो बाइडेन आए थे जनवरी में, 20 जनवरी,
तो उसके बाद से तो पहले तो पाकिस्तान बहुत खुश था कि हमारे रिलेशंस बेटर होंगे और उसने कश्मीर पे बहुत कुछ बोला है, उसके बाद से तो हमें कुछ दिखा नहीं है, ठीक है। और जो बात है कि उन्होंने जितना भी हमारे यहाँ कल्चरल रिलेशंस पे या हमारे यहाँ डिफरेंट सेक्ट्स पे जो वो कुछ बोला, वो उन्होंने उसे रिपीट नहीं किया। ऐसे तो पाकिस्तान को भी उन्होंने लिस्ट में डाला था, राइट। तो ये अभी कैरी आ ही रहे हैं, उससे पहले जो बाइडेन ने हमें क्लाइमेट चेंज में बुलाया, पाकिस्तान को नहीं बुलाया, इससे पहले डिफेंस सेक्रेटरी आए और यहाँ से सीधे अफगानिस्तान चले गए। तो आप ये समझिए कि ये उंगलियां इंडिया पे उठाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि पाकिस्तान तो खुद ही क्या सिचुएशन है अमेरिका के साथ, यू नो इट। अब जहां तक बात ये कि ये जो ट्रेड बंद किया है, मैं अली साहब का भी जवाब दूंगा जो। तो गाइज ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आप यहाँ से ये वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया को आपने देखा, पाकिस्तानी मीडिया यहाँ पर फिज़ा खान और कमर चीमा और इंडिया का रोहित शर्मा, ये तीनों बैठे हुए बात कर रहे हैं। यहाँ पर कमर चीमा ने जब फिज़ा खान के सवाल का जवाब देते हुए बोला कि आपको क्या लगता है भारत के साथ व्यापार चालू होना चाहिए या नहीं चाहिए, तो कमर चीमा ने बोला ज़रूर होना चाहिए, आपको भी पता है भारत पाकिस्तान के बीच व्यापार 2019 से रुका है और इस बार भी रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने की थी। फिर पता नहीं इमरान खान ने ऐसा यू टर्न लिया जिससे पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई और इस इंटरनेशनल बेइज्जती के पीछे पाकिस्तान का कन्फ्यूज़न था और ये कन्फ्यूज्ड पाकिस्तानी आपको भी पता है जब से पाकिस्तान बना है तब से कन्फ्यूज्ड है, इनको यही नहीं पता है कि ये अरबी हैं, तुर्की हैं, अफगानी हैं, इराकी हैं, कहाँ के हैं। ये अपने आप को हमेशा बाहर का समझते हैं, इनके हीरो बाहर के होते हैं, इनका लोकल का कोई भी नहीं होता। आप समझ सकते हो लोकल का क्यों नहीं होता, क्योंकि ये अपनी जड़ें खोदने जाएंगे तो निकलेंगे हिंदू, तो इसलिए इनका लोकल का कोई नहीं होता। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि आपने ये वीडियो देखा, कमर चीमा ने बोला साफ तौर पर कि भारत से पाकिस्तान को ट्रेड चालू करनी चाहिए, जिस तरीके से चाइना से भारत की चलती है इतनी टेंशन के बाद, जिस तरीके से अमेरिका की चलती है चाइना की इतनी टेंशन के बाद, तो अब आप समझ सकते हो पाकिस्तान में इतने हालात ख़राब हैं, लेकिन अब एटीट्यूड वाला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का, शाम को बोलता है अपने मिनिस्टर से बुलवाता है कि भारत से हम कपास और शुगर लेने वाले हैं, और सुबह जब होती है तो बोलता है कि नहीं, हम भारत से तब तक नहीं लेंगे जब तक कश्मीर से धारा 370 हटती नहीं। तो इस तरीके का प्राइम मिनिस्टर बेवकूफ़ियाँ भरी बातें करेगा तो डेफिनेटली पाकिस्तानियों का क्या होगा। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है ख़त्म, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।